नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय 2M पर फिर से एक नया वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का मार्केट काफ़ी अच्छा रहा। कल का प्रीव्यूज़ के हम बात कर लेते हैं। कल का प्रीव्यूज़ क्लोज हुआ था 12.65 पर और मार्केट क्लोज होने के बाद आज देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंक्रीज पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला है। ये देख सकते हैं 12.80 पर आज ओपन हुआ है मार्केट। मतलब मार्केट जब क्लोज हुआ था उसके बाद भी मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आज का मार्केट कैसे रहने वाला है, आज का मार्केट कितना अपर सर्किट जाने वाला है, कितना डाउन सर्किट जाएगा या फिर नहीं जाएगा, क्योंकि आज का मार्केट अभी भी आधा दिन बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट जब शुरुआत हुआ था तो 12.80 पर हुआ था और यहाँ पर मार्केट शुरुआत होते ही मार्केट एकदम डाउन चल गया था। मार्केट अच्छा खासा डाउन चल गया था दोस्तों, मार्केट 12.50 पर आ गया था। मतलब सब आज इन्वेस्टर लोग या फिर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं सब कोई चौंक गए थे कि आज का मार्केट डाउन जाने वाला है। लेकिन मार्केट देखिए किस तरह से फिर से अपर सर्किट में जाने के बाद आज मार्केट यहां पर देख सकते हैं अभी का मार्केट कितना प्राइस हुआ है। आज का मार्केट देख सकते हैं 13.25 हो गया है। मतलब अच्छा खासा यहां पर प्रॉफिट आपको दिखाई नज़र आएगा। ये देखिए प्लस पॉइंट के साथ 0.60 जो कि अच्छा खासा ही है एक दिन का। और यहाँ पर ग्रोथ लेवल की बात करें तो ग्रोथ लेवल अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा, 4.74%। कल का ग्रोथ लेवल की भी बात किए थे हमने, करीब 5% तक गया था ग्रोथ लेवल और आज का ग्रोथ लेवल थोड़ा सा कम है लेकिन ग्रोथ लेवल अच्छा खासा है। ठीक है, तो मार्केट देखिए आज का ग्राफ्स अगर एनालाइज करें तो ग्राफ्स एनालाइज यहां पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहां पर अपर सर्किट मिला है आज का डेट में। तो यहां पर इतना तक आके इतना तक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई गया था लेकिन उसके बाद से यहाँ पर लेवल पे जा रहा है। तो मार्केट अभी भी बाकी है, क्लोज होने का टाइम अभी भी बहुत है। तो यहाँ पर क्या होगा, और भी अपर सर्किट जाने का चांस है या फिर ये डाउन सर्किट जाएगा या फिर लेवल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दूँ मार्केट अब अपर सर्किट या लोअर सर्किट दोनों ही नहीं जाएगा, आज मार्केट लेवल पर ही जाएगा। तो लेवल पर ही आज मार्केट क्लोज होने का जो चांसेस है वो 90% है। ठीक है, अगला 5 दिन की अगर बात करें, अगला 5 दिन में आप देख सकते हो मार्केट जो ग्राफ्स है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से अपर सर्किट किया है। अगला 5 दिन की बात करें तो शॉर्ट टाइम के लिए जो यहाँ पर इन्वेस्ट किया था उसको आज 5 दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों 1 मंथ की अगर हम बात करें तो 1 मंथ में हमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट या फिर तेज़ी नज़र नहीं आ रहा है। देखिए 1 मंथ की अगर बात करें लॉन्ग इन्वेस्टर शॉर्ट टाइम के लिए जो इन्वेस्ट किया था, अगर मान लीजिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया था तो उसको अच्छा खासा यहाँ पर डाउन सर्किट देखने को मिला, उसके बाद फिर से अपर सर्किट यहाँ देखने को मिला, तो उतना अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हमें नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 12.70 है और आज का मार्केट क्लोज होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ है, तो अभी लाइव चल रहा है 13.25। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉपर सर्किट दिखा रहा है, अपर सर्किट दिखा रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा तेज़ी आपको दिखाई मिल गया है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर जो लोग इन्वेस्ट किया था तो उसको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट अभी तक मिल रहा है। यहाँ पर था 9.60, मतलब 9.5 रुपया के आसपास था और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 13.25 था है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाउन हुआ था, डाउन सर्किट में हमने आपको बार बार बताया था कि डाउन सर्किट अभी अच्छा खासा मौका है इन्वेस्ट करने के लिए। जो जो यहाँ पर इन्वेस्ट किया था आज के मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा उसको प्रॉफिट मिल रहा है अभी तक। ठीक है, तो क्या चलिए बात कर लेते हैं, क्या आप मार्केट जो है इसी तरह से अपर सर्किट जाने वाला है या फिर तेज़ी थोड़ा सा और बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों बता दूँ कि मार्केट यहाँ पर आज का तो अच्छा खासा ही रहा और अगले कई दिन से मार्केट देखोगे तो थोड़ा थोड़ा अपर सर्किट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अपर सर्किट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अभी तक तो आगे भी ऐसे ही मार्केट चलता रहेगा, मार्केट अभी भी अच्छा खासा टारगेट देखने की मिल सकता है। तो यहाँ पर अपर सर्किट कल भी आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन तेज़ी जो है तेज़ी उतना खासा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि रिलायंस पावर जो सेक्टर है उसमें अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिलना चाहिए था लेकिन उस हिसाब से तेज़ी जो है हमें अच्छा खासा देखने को नहीं मिल रहा है। तेज़ी जो है वो छोटा छोटा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रहा है लेकिन सबसे अच्छा जो बात है वो है अपर सर्किट में जा रहा है, डाउन सर्किट में नहीं जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर कंपेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर तेज़ी दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तेज़ी दोस्तों, ये देखिए 4.95, मतलब
5% के साथ यहाँ पर ग्रोथ लेवल दिखाई पड़ रहा है। वहीं पर टाटा पावर कंपनी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउन सर्किट देखने को मिल रहा है। ये अपर सर्किट भी जाने का चांस है, लेकिन उतना ज़्यादा चांस नहीं है अपर सर्किट में जाने का, क्योंकि मार्केट आधा खत्म हो गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल की बात करें रिलायंस का, तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ लेवल देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ करेंगे ये सुजलन एनर्जी के। सुजलन एनर्जी काफ़ी टाइम तक यहाँ पर लोअर सर्किट देखने को मिलेगा, लेकिन आज का डेट में अगर देखोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट, यहाँ पर अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पावर सर्किट जो है रिलायंस का पावर सर्किट, वो अच्छा खासा अभी तक आगे भी तेज़ी देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।